हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट मेजर स्केल इनटू क्वाड प्रोग्रेशन। किसी मेजर स्केल को कैसे क्वाड प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑलराइट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अगला अपडेट मिलता रहे। ऑलराइट, सो मेजर स्केल। सो मेजर स्केल में कोई भी नोट्स ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो है होल होल हाफ, होल 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 हाफ। मेजर स्केल के ऊपर एक मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल भी किया हुआ है, हाउ टू प्ले मेजर स्केल माइनर स्केल, नोट्स को कैसे ढूंढते हैं, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो मेजर स्केल फॉर्मूला क्या है नोट्स ढूंढने का? होल होल हाफ, होल 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 हाफ। होल स्टेप मतलब दो नोट्स के बीच में गैप रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ जी प्ले किया है, देन अगला नोट कौन सा होगा? ए। बीच में जी शार्प को मैंने छोड़ दिया, ये है होल स्टेप। हाफ स्टेप की बात जब करेंगे तो जी मैंने, अगला नोट कौन सा होगा? जी शार्प। कोई गैप दो नोट के बीच में गैप नहीं रहेगा, उसको हाफ स्टेप बोलते हैं। सो होल होल हाफ, होल 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 हाफ, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो लेट से मैंने जी मेजर स्केल ले लिया, ओके। सो जी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट्स होंगे? सो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दिया, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। तो जी के बाद क्या होगा? ए। ए के बाद क्या होगा? बी, देन सी, डी, ई, एफ शार्प एंड देन बैक टू जी। सो जो सेवन नोट्स, इनको सारे नोट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स हैं, ओके, रोमन नंबर्स हैं। सो जी हमारा हो गया पहला नोट जी मेजर स्केल में। उसके बाद कौन सा, सेकंड कौन सा हो गया? ए, देन उसके बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ शार्प। ये आपके हो गए सेवन नोट्स इन जी मेजर स्केल। सो अब इस जी मेजर स्केल को में अब हमें अप्लाई करना है कौन कौन से कॉर्ड्स होंगे, राइट? सो इसका क्या फॉर्मूला है? हर चीज का फॉर्मूला है गिटार में। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शेप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब चीज अप्लाई करके आप काफी तेजी से सीख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है किसी मेजर स्केल के लिए। सो इसका फार्मूला क्या होता है? मेजर माइनर, माइनर मेजर, मेजर माइनर डिमिनिस्ड। सो हमारे कॉर्ड्स कौन कौन से हो गए जी मेजर स्केल में? जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, देन सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर एंड देन एफ शार्प डिमिनिस्ड, ओके। सो डिमिनिस्ड कॉर्ड हार्डली यूज होता है। सो 90% गाने, especially Bollywood songs जो हैं, 90% songs तो आप बिल्कुल major और minor chords apply करेंगे और play कर सकते हैं। तो यहाँ diminished तो hardly use होता है। तो for example G major scale में कोई गाना है तो chords कौन कौन से होंगे? G major, A minor, B minor, C major, D major and E minor, यही होने हैं। कोई भी गाने आप उठा लें G major scale के, Bollywood songs कोई भी, यही होने हैं। और most important इसमें और भी है प्राइमरी कॉर्ड्स। तो प्राइमरी कॉर्ड्स का भी एक सिंपल टेक्निक होता है, बट इसमें प्राइमरी कॉर्ड्स कौन कौन से होंगे? तो इसमें जी मेजर, सी मेजर, डी मेजर एंड ई माइनर, ये आपके प्राइमरी कॉर्ड्स हैं। ये चार कॉर्ड भी लगा के आप कोई भी जी मेजर स्केल के गाने प्ले कर सकते हैं। सो नाउ हम बात करेंगे कॉर्ड्स प्रोग्रेशन की। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन, या तो आप कोई गाने सुनते हैं उसमें कौन कौन से कॉर्ड्स हैं, पहले तो आपको स्केल मालूम करना पड़ेगा एंड देन कॉर्ड प्रोग्रेशन। कई सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन कॉमन होते हैं। सो किसी मेजर स्केल में जो एक कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज होता है वो है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फर्स्ट कौन सा है? जी मेजर स्केल की बात कर रहे हैं। सो हमारा रूट नोट या रूट कॉर्ड ये जी कॉर्ड। सो ए जो है सिक्वेंस, कॉर्ड सिक्वेंस, कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, जी, C एंड D, G मेजर, C, ओके, एक ये सीक्वेंस है। जो दूसरा सीक्वेंस होता है, एक काफी कॉमन सीक्वेंस है किसी भी मेजर स्केल में, एक सीक्वेंस आप कई बार देखेंगे, वो ये सीक्वेंस है फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, which is G, D, E minor and C।
और जो तीसरा सीक्वेंस है वो है 1 6 2 and 5, जी ई माइनर ए माइनर डी, जी ई माइनर ए माइनर डी। सो ये जो है तीन सीक्वेंस मैंने बताया किसी मेजर स्केल में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा, ये तीन सीक्वेंस। सेकंड सीक्वेंस काफ़ी कॉमन है। सो आप इन तीन सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं सॉन्ग राइटिंग में, या फिर कॉर्ड्स किसी सॉन्ग में मेजर स्केल में कौन से कॉर्ड्स हुए उनको फिगर आउट करने में। ऑलराइट, सो लेट्स से हमने सेम फार्मूला लगाया अब सी मेजर स्केल के लिए, राइट। सो सी मेजर स्केल में हमारे कौन कौन से नोट्स हो गए, सी डी ई एफ जी ए बी, ओके, ये 7 नोट्स हो गए। सो मैंने सेम फार्मूला लगा दिया, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड। सो कॉर्ड्स कौन से हो गए सी मेजर स्केल में, सी मेजर डी माइनर ई माइनर एफ मेजर जी मेजर ए माइनर एंड बी डिमिनिश्ड, ओके। डिमिनिश्ड के कॉर्ड को आप छोड़ दें। सो वो एक सीक्वेंस क्या हो गया, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, सी एफ डी, ओके। जो दूसरा जो कॉमन सीक्वेंस है 1 5 6 4, सी जी ए माइनर एफ, सी जी ए माइनर एफ, सी जी ए माइनर एफ, ओके। और जो तीसरा सीक्वेंस है 1 6 2 5, सी ए माइनर डी माइनर जी, सी ए माइनर डी माइनर जी, सी ए माइनर डी माइनर जी। ऑलराइट, सो ये जो है आप फॉर्मूला किसी भी मेजर स्केल में कैसे नोट्स फाइंड आउट करते हैं, मेजर स्केल होल होल हाफ होल 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 हाफ, एंड देन उसको कैसे कॉर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं कि कॉर्ड प्रोग्रेशन में। सो कौन कौन से 7 कॉर्ड्स होंगे किसी मेजर स्केल में, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश्ड। सो इस तरह से आप किसी मेजर स्केल में पहले तो कौन कौन से नोट्स है वो फिगर आउट कर दिया, और कैसे एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा वो भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।